वे हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन क्वार्टर गार्ड एवं बैरक के शिलान्यास के अवसर पर अभी आप जो सुन रहे थे इस धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदमी विनोद चौधरी जी, हमारे अपन मुख्य सचिव पूरी जी, डीजीपी साहब, हमारे एडीजीपी और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी हैं, सभी कर्मचारी हैं, सभी हमारे पुलिस के जवान, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं सहायता बंधु, आज पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन का और क्वार्टर गार्ड एवं बैरक का शिलान्यास हुआ है। मैं इसकी आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। लंबे समय से इसकी मांग थी और क्योंकि मैं यहां विधायक निवास में रहता था तो अक्सर पुलिस लाइन के इस फील्ड में आता और बार बार देखता था सड़क से आते जाते, तो ये समस्या अक्सर मेरे मन को इधर जरूर खींचती थी कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। जहां प्रशासनिक भवन क्वार्टर गार्ड एवं बैरक का शिलान्यास कर मुझे और सभी लोगों को आप सबको प्रसन्नता हुई और हमने सरकार में एक मंत्र के रूप में इसको भी अंगीकार किया है कि हम जिस भी योजना का शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे। और ये काम लगातार पिछले समय से हमारी कोशिश रही है कि हम इसको करें। जहां क्वार्टर गार्ड एवं बैरक के निर्माण से हमारे पुलिस के जवानों को, कर्मचारियों को लाभ होगा और अच्छी सुविधा, अच्छा बैरक, अच्छा रहने का स्थान मिलेगा, तो उनके काम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उनके मन को भी आनंद आएगा, उनको आराम भी मिलेगा। तो ये काम होना ही चाहिए। इसके साथ साथ मैं डीजीपी साहब और कार्यकारी संस्था से यह भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि आज हम लोग सब जगह सोलर को बहुत बढ़ावा देते हैं, इसमें सोलर पैनल इत्यादि की व्यवस्था इसके साथ साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और बैरिक में अच्छे उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था वह भी जरूर साथ में होनी चाहिए, जिससे कि जो है आसानी से उनको अपना जो नित्य दैनिक क्रम है उसमें कोई परेशानी न हो। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें क्योंकि वैसे तो आप लोग सभी संस्थाओं से सबसे बात करते ही रहते हैं और देखिए पुलिस का काम एक समन्वय का काम भी है, कोऑर्डिनेशन का काम और कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और सबकी सहभागिता का। वैसे हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट से भी जो इसकी व्यवस्था है वहां से बात कर लेंगे, नहीं होगा तो हम लोग कहीं और से कर लेंगे। लेकिन जो भवन बन रहा है वो भवन पूरी तरह से अच्छा बनना चाहिए और कार्यदायी संस्था से क्योंकि जब आईआरबी सेकेंड का हम लोगों ने वहां पर लोकार्पण किया था उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं गुणवत्ता को लेकर बहुत सारी जगह पर बहुत शिकायतें बाद में आती हैं। जब भवन बन जाता है और भवन बनने के बाद कुछ सालों के बाद जब उसकी प्लास्टर गिरने लगता है, बाथरूम की टॉयलेट उखड़ने लगती है, दरवाजे ढीले होने लगते हैं, तो उस समय हम सोचते हैं कि हमने उस समय क्यों नहीं देखा होगा। अभी बहुत सारी जगह पर ऐसे ऐसे गेस्ट हाउस हैं जिनका काम 10 साल 15 साल पहले हुआ है लेकिन वो जर्जर हालत में आ गए। इससे हमको इस व्यवस्था को ठीक करना होगा और ये व्यवस्था अगर पुलिस ठीक नहीं करेगी तो कौन करेगा, करेंगे ना आप ही लोग तो हैं। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम जो ये बिल्डिंग हमारी बन रही है और मैं इतना जोड़ रहा हूं कि मैडम बैठी है यहां पर,
अगर इनको 5% डीपीआर में पैसा बढ़ाना पड़े तो इसको बढ़वा दीजिए, लेकिन निर्माण का अच्छा होना चाहिए। मैं केवल आपके विभाग से नहीं, मैं सब विभागों में कह रहा हूं कि ऐसा निर्माण कार्य होना चाहिए जिसमें अच्छी टॉयलेट हो, अच्छे दरवाजे लगे हो, अच्छी फर्श लगी हो, अच्छा उसमें प्लास्टर हो। सालों साल तक लोग कहें कि निर्माण कार्य कब हुआ। अशोक जी, इसमें आप ऐतिहासिक तो हो गए कि आपके समय में दैनिक और प्रशासनिक भवन बन रहा है, लेकिन अगर 20 साल बाद लोग आपका नाम लेंगे कि उस समय डीजीपी अशोक कुमार थे और उस समय बना था, तो फिर हमेशा के लिए इतिहास में लिखे जाएगा। तो इस तरह का बनना चाहिए। और पुलिस का काम बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सब लोग लगातार कर रहे हैं। मैं आप सभी को, क्योंकि कोरोना काल की मैं हमेशा चर्चा करता हूं, आज फिर से याद दिला रहा हूं, क्योंकि कोरोना आ रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कोरोना काल में आप सबके द्वारा बहुत ही पुलिस ने जो हमारा क्या चलाया था, मिशन हौसला, और बहुत अच्छा था। उसमें जगह जगह पर लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उस समय सिलेंडर उपलब्ध करवाना, दवाइयां उपलब्ध करवाना, जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार से सहायता का काम पुलिस ने किया और अभी भी कर रही है। अभी चार धाम यात्रा चल रही है हमारे यहां पर, जो पर्यटकों का ये सीजन चल रहा है, इस सीजन में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भूमिका आपकी हर प्रकार से है और उसका आप सब लोग सही प्रकार से काम भी कर रहे हैं, सही प्रकार से लोगों को आने जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था कर रहे हैं, जाम में लगे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे उसमें भी आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि शुरू में जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी तो यात्रा के प्रारंभ में हमको बहुत चुनौती थी। जिस दिन 6 मई को कपाट खुले थे केदारनाथ जी के, उस दिन रात्रि को तो बहुत ही ऐसा असमंजस हो गया कि वहां पर 14-15-16 हजार की कैपेसिटी है और वहां पहुंच गए 22-23 हजार लोग। कितने लोगों को छत मुहैया करवाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर व्यवस्था हुई। शुरू के दिनों में ये बड़ी परेशानी थी हम लोगों को कि कैसे यात्रा को व्यवस्थित किया जाए। सब लोगों ने उसको यात्रा को व्यवस्थित किया, चारों धामों में यात्रा चली और आज चाहे हमारा कोई कोना हो, हमने पिछले दिनों नैनीताल गया था, बजट से पूर्व हमने संवाद किया कि जो हमारा सामान्य बजट आ रहा है इस बजट पर हम सबकी सहभागिता चाहते हैं। और क्योंकि जो बजट बने, उत्तराखंड राज्य की जो योजनाएं बने, उन योजनाओं में आम जनसामान्य की सहभागिता होनी चाहिए। तो उनके हमने जो कोर ग्रुप थे, कोर ग्रुप के रूप में हमने 10 अलग अलग ग्रुपों में, कोई इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, कोई कृषि से जुड़े हुए थे, कोई व्यापार से जुड़े हुए थे, कोई हमारे सीए एसोसिएशन के लोग थे, अनेकों कुछ हमारे सीनियर सिटीजन वाले लोग थे, सबको हमने बुलाया वहां पर और उन सभी से बात की और उनके सुझाव दिए, उसको हमने अपने आम बजट में भी शामिल किया। तो मैं उस समय नैनीताल जब गया था तो मैंने देखा कि नैनीताल में पैर रखने की जरूरत नहीं थी। शाम को जब हम चीफ जस्टिस थे, वहां से उनके घर से लौट रहे थे तो देखा कि पूरा पैक जैन पैक, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था को हम और कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। और इसका परिणाम है कि अभी तक ये यात्रा हमारी शुरू के दिनों में हमारे लिए चुनौती थी, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते अच्छी यात्रा हो गई। आज अच्छा काम चल रहा है, आज व्यवस्थित तरीके से यात्रा चल रही है, सबकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है और 25 लाख का आंकड़ा हमारी यात्रा में पार कर लिया है। और अभी
250
किसी की है हर क्षेत्र में तो वो पुलिस से होगी।
सम्मानित करें।